अभी हमारी गाड़ी चल चुकी है वो है 608 किलोमीटर्स टोटल चल चुकी है इतनी गाड़ी। 7 दिन हो चुके हैं गाड़ी को लिए हुए अभी तक। और ये जो है इसकी रेंज होती है, इधर वाली रेंज है। इस वीडियो में आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं सनरूफ के बारे में, कि सनरूफ कैसे ऑपरेट होती है, कितनी ओपन होती है, क्या क्या इसके अंदर हैं चीज़ें हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि ये ऑपरेट करने का तरीका क्या है। तो पहले तो आपको ऑपरेट करने के लिए इसको गाड़ी को ऑन पे लेके आना पड़ेगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसके अंदर, इस पोजीशन पे लेके आना पड़ेगा आपको एक्सेसरीज के बाद वाले पे। अब ये जो है इसको आप कम्प्लीटली बंद करना चाहते हैं तो ये होता ही है इसके ब्लाइंड करने के लिए। इस ब्लाइंड को ओपन कर देते हैं पहले तो, और अभी ब्लाइंड को ऑफ करके बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें 3 ऑप्शंस हैं। तो ये फर्स्ट वाला है, ये अपने को पूरा ओपन करने के लिए है, सेकंड वाला बंद करने के लिए, थर्ड वाला जो है सिर्फ इसको टिल्ट करने के लिए है वेंटिलेशन के लिए। तो सबसे पहले हम थर्ड वाला दबाते हैं। थर्ड वाला दबाने पे क्या होता है कि टिल्ट हो जाती है और पीछे से ऊपर हो जाती है, आगे का हिस्सा वहीं पर रहता है। तो ये वेंटिलेशन के लिए, गाड़ी धूप वगैरह में खड़ी है और आप अंदर बैठे हो तो उसको ओपन यहाँ तक कर लो ताकि गंदगी वगैरह कोई ऊपर से गिरे भी ना और वेंटिलेशन भी होता रहे। अब सेकेंड टाइम वापस इसको बंद करना पड़ेगा, अगर हम पूरी ओपन करनी है तो हमें बंद ही करना पड़ेगा इसको। तो हमने इसको बंद कर दिया, अभी बंद हो गई। अब पूरा ओपन करने के लिए इसको क्लिक करता हूँ मैं, साथ में ये भी जाएगा पीछे। तो पहले जितनी पहले यहाँ तक था वो तो हमें सिर्फ इतनी रूफ का एक्सेस था, और अभी जो रूफ का एक्सेस है वो हमको पूरा हो गया, तो ये पूरा वाइड ओपन हो गया। अभी इसको हम बंद करते हैं। अभी जब ये खुली हुई है उस टाइम पे आप ब्लाइंड को आगे लेके नहीं आ सकते, ब्लाइंड अंदर चला गया। तो अगर आप चाहते हो कि भाई खुली रहे ऊपर इसको ब्लाइंड लगा दो आप, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। अब आप ब्लाइंड को लेके आ सकते हो। अब सेकेंड, अब इसके अलावा अगर ब्लाइंड ऑन हो तो इसके आगे हम इस पर क्लिक करेंगे अगर वेंटिलेशन वाले पे, तो वेंटिलेशन वाला हो जाएगा। हल्का सा मूवमेंट रहता है इसके अंदर, वापस चेक करते हैं। ई पैक अब वेंटिलेशन वाला ओपन है, पर ये बंद रहेगा। आप चाहो तो खोल सकते हो, बंद कर सकते हो, ठीक है। वेंटिलेशन वाले को बंद करते हैं हम। अभी जो सनरूफ है वो बंद है कम्प्लीटली। अब हम खोलते हैं सनरूफ को। तो ब्लाइंड है ये, साथ में जाता है, इसको रोक नहीं सकते आप। ये ब्लाइंड साथ में ही जाएगा पूरा, तो कभी भी नहीं हो सकता कि ब्लाइंड ऑन, ब्लाइंड आपने लगा रखा हो और ऊपर वाला खुला हो, कभी भी नहीं हो सकता। इसको बंद करते हैं। अब एक और नया क्वेश्चन जो मैंने 2 दिन पहले ही मुझे मालूम पड़ा। एक बार आप प्रेस करते हो अगर इस बटन को तो ये पूरा ओपन हो जाता है, एक बार इसको प्रेस करते हो तो पूरा बंद हो जाता है, एक बार प्रेस करते हो तो ये वेंटिलेशन के लिए पूरा ओपन हो जाता है। अगर आपको इस सनरूफ को आधी ही खोलना हो तो आप इसको प्रेस करके रखो और जितनी खोल ली वहाँ पर रोक दो। अब इतना खोलना है मुझे मान लो, तो यहाँ पे मैंने रोक दिया इसको, ये ब्लाइंड लगा दिया यहाँ तक, तो ये आपके ऊपर है। सेम वही बंद करना हो वहाँ तक आप इस पर प्रेस कर होगे तो वहाँ तक जाएगा। और जो वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन चेक कर लेते, मैंने चेक नहीं किया, वेंटिलेशन पूरा ही होगा आपका ओपन। वेंटिलेशन के लिए आप रोक नहीं सकते, वेंटिलेशन को पूरा ही जाएगा। हाँ, वेंटिलेशन एक बार में ही पूरा कंप्लीट होगा। तो ये तो हो गया हमें मैन्युअली कैसे जो ऑपरेट करने के लिए बटन दिए हमें, क्या है क्या चीज़ नहीं है। अब आपको पता होगा कि जो XMS वेरिएंट है, इस XMS वेरिएंट के अंदर हमको पहले से ही एक ऑटो हेडलैम्प मिला है, और ऑटो हेडलैम्प के अलावा हमको मिला रेन सेंसिंग वाइपर। अब वो क्यों साथ में दिया हुआ है इसके, क्यों वो टॉप मॉडल से हमको वो बाकी चीज़ें क्यों दी? ये इसलिए दी, अगर जैसे मान लीजिए आपकी सनरूफ ओपन है, अभी ये वेंटिलेशन वाला हो गया, अगर ओपन है, अभी ओपन है, इसको क्लोज, एक तो हमने मैनुअली क्लोज कर ही दिया इसको। अगर मैनुअली क्लोज हम भूल जाते हैं, मान लीजिए आप भूल गए और आपने गाड़ी की चाबी जो है निकाल ली, जैसे आप चाबी निकालोगे निकालने के साथ में ही ये बंद हो जाएगी। तो अभी ये खुली हुई है, वापस हम इसको बाहर से दिखाते हैं सेम चीज़ को, सेम फीचर को। तो अभी हम चाबी को निकालेंगे, जब जब चाबी हम निकालते हैं तो बंद हो जाती है। तो ये है गाड़ी का बाहर से व्यू। अभी गाड़ी गंदी हो रखी है, कल थोड़ी बूंदाबांदी हो गई थी और आंधी आ गई थी वजह से, वरना वैसे क्लीन करके, क्लीन करवा के रखी छोड़ी थी इसको, और बारिश आ गई बाद में तो इस वजह से गंदी हो गई। तो अभी पहले हम देखते हैं बाहर से टिल्ट होने पे कैसी लगती है गाड़ी। ये भी वो टिल्ट हो रखी है वेंटिलेशन के लिए, प्रॉपर पीछे से ऊपर रहेगी हल्की सी। अब दूर से देखोगे गाड़ी को तो ऐसी दिखेगी। अब बंद करना, ओपन करना, ओपन करने पर ये चीज़ पीछे जाती है, साथ में आगे से ये चीज़ ऊपर भी होती है हल्की सी।
आपको दिख रहा होगा हल्का सा ऊपर हो जाता है। बंद करते टाइम पे देखना गिरी नीचे चली जाती है। तो ये बाहर से हो गया इसका। तो अभी हमको दो चीज़ें मालूम पड़ गई इसके बारे में। फर्स्ट तो थी कि हम अंदर से मैन्युअली किस तरीके से ऑपरेट करते हैं इसको इस जगह से, और सेकंड जो की को हम हटा देते हैं, की हटाने पे क्या चीज़ होती है, और थर्ड जो मैं आपको बता रहा सेंसर वाली चीज़। तो जो सेंसर आते हैं उसके यहाँ पर आते हैं इस जगह पे। सेंसर वाली चीज़ बता देता हूँ आपको मैं। पहले वाइपर ऊपर कर लेते हैं, गंदी हो रखी है तो वाइपर ऊपर कर लेते हैं वरना वैसे गंदा हो जाएगा। हम सनरूफ को ओपन कर देते हैं, वाइपर जो हमने ऊपर कर ही दिए हैं, सनरूफ खुल गई है। ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ ऑटो सेंसिंग रेन सेंसिंग वाइपर जो वाला जो है फीचर, वो क्यों है इसके अंदर और सनरूफ साथ में क्यों काम करता है। अभी जो चाबी है वो लगी हुई है अंदर, जो कंसोल है वो ऑन है अभी, और सनरूफ भी ओपन है, वाइपर ऊपर कर रखे हमने। सेंसर जो है इसके उस जगह पे आते हैं। अब सेंसर एक्टिवेट करना, वैसे बारिश आएगी, बारिश आते वैसे हो जाएगा वो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है, पर अभी इसको एक्टिवेट करने के लिए एक तरीका है अपने पास में कि अपन इसको इस तरीके से करें। तो वाइपर भी देखो चालू हो गए और सनरूफ भी ऑफ हो गए। तो अगर बारिश आ जाती तो आपको खुद को हेडेक, आपकी हेडेक नहीं इसको बंद करना, बारिश आती गाड़ी ऑटोमेटिकली इसको बंद कर लेगी और वाइपर जो है वो ऑन हो जाते हैं। ऑटो रेन सेंसिंग वाइपर से उनका मतलब तो है ही। सेंसर है वो इस जगह पे, ये दिख रहा है यहाँ पे, मैं आपसे साफ किया इसको, और साथ में सनरूफ ऑफ हो ही जाती है। तो ये एक सनरूफ के सारे फीचर्स हो गए, क्या क्या किस तरीके से, एक और आप बता देता हूँ आपको। तो सनरूफ ओपन करने का, और वो चीज़ तो मैंने आपको बताई दी है किस तरीके से ओपन होती है और क्या क्या चीज़ होती है। की को आपको ऑन करना ज़रूरी है, अगर ऑन नहीं होगी तो स्टार्ट नहीं होगी। बंद चालू करने के अंदर से ऑप्शन नहीं। और ये जो है माइक है, किसी को अगर कुछ डाउट हो इसके बारे में, ये लाइट है ये अपनी। तो ये ऑप्शंस हो गए, ब्लाइंड वगैरह आपको बता दिया मैंने, और ऑटो सेंस उससे कैसे बंद हो जाती है अपने आप, और चाबी निकालने से बंद होती। तो बिल्कुल सेफ है, ऐसी कुछ नहीं है कि आप अगर खुली छोड़ के चले गए तो ऊपर से कुछ आ जाएगा या कोई अंदर से ऊपर से एंटर हो जाएगा। सेफ्टी फीचर के साथ में दी हुई सनरूफ है, तो ऐसी कोई इशू नहीं है कि हाँ नहीं अगर बारिश आ गई फिर अंदर से गीली हो जाएगी गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। और कभी भाई चाबी निकाल के आप चले गए बाहर, सनरूफ खुली रहेगी, ऊपर से कोई भी आके चोरी कर लेगा, वो भी कोई चक्कर नहीं है। तो एक दोनों मतलब पैकेज के साथ में दिया है, सनरूफ को दिया है इसके अंदर। कुछ डाउट्स आपके मन में तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर सकते हो, बाकी चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम अभी नेक्सॉन 2020 BS6 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसके सारे फीचर्स वगैरह हम बताएंगे आने वाले वीडियोज़ के अंदर। थैंक यू।